फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की जो घंटी है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मोमिका और आज मैं बनाऊँगी इम्यूनिटी बूस्टर मिल्क। सो फ्रेंड्स, आजकल जो सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, जैसा सिचुएशन अभी आप लोगों के सामने आके खड़ा हुआ है, तो उसमें जो है डॉक्टर्स भी सब कहते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम को हमें बढ़ाना चाहिए। तो आप प्लेन दूध के बदले अगर आप थोड़ा बहुत इसमें कुछ डाल के इसका मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को हम बढ़ा सकते हैं, तो मैं वही आज मैं दिखा रही हूँ आपको। अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, इसलिए शेयर करें ताकि हर घर में ये पहुँचे और हर कोई दूध को प्लेन यूज़ ना करके इसमें जैसे मैं आज बनाऊँगी ऐसा अगर हम बनाते हैं तो थोड़ा उसे इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़ेगा। तो क्या मैं इसमें डालने वाली हूँ, ये है तेजपत्ता, एक तेजपत्ता यानी बे लीफ आप इसमें डाल दीजिए। इसके साथ आप यहाँ पे हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी। हम सब जानते हैं कि हल्दी वाला दूध पीना कितना अच्छा होता है सेहत के लिए और ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है। ये है छोटी इलायची, मैं दो ले लिया है, एक आप ऐसे दालचीनी ले लीजिए, और ये लौंग है, मैंने 5 लौंग ले लिया है। इसे मैं कूटूंगी, यानी थोड़ा सा आप इसे कूट लीजिए तो अच्छा होगा। इस तरह आप इसमें दो वैसे मैं इसमें दे दूंगी, दो छोटी इलायची, एक दालचीनी और ये लौंग। इसे देखिए ऐसे हनी यूज़ कीजिए मिठास के लिए। ये है नाटमेट पाउडर यानी जायफल का पाउडर, ये मैंने हाफ टी स्पून ले लिया है, हाफ टी स्पून थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, इसे मैं डाल देती हूँ। काम जो है ये कभी कभी दूध पचाने में हमें मुश्किल होता है, तो ये डाइजेस्ट करने में बहुत मदद करता है, ये दूध को पचाने में आपको मदद करेगा। और इसके साथ साथ इसकी खुशबू जो है वो भी बहुत अच्छी होती है। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकती हैं, अगर है तो आप इस तरह पाउडर बना के इसे भी आप दे दीजिए। इस मसाले को अभी मैं दे देती हूँ, यहाँ पे है छोटी इलायची, दालचीनी और लौंग, इसे आप दे दीजिए। दस मिनट इसे मैं उबाल लूँगी, बॉईल करूँगी 10 मिनट्स। 10 मिनट मैंने इसे उबाल लिया है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि घर पर आपको किसी को इसको पिलाने की जो दूध पिलाने की जो दिक्कत होती है वो भी नहीं होगी। ये इतनी अच्छी खुशबूदार होती है कि फटाफट इसे सब पी जाएगी और इसे ठंडा पीने में भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आजकल की सिचुएशन में हमें हर चीज़ थोड़ा गर्म गर्म पीने के लिए बोलता है, तो आप इसे हल्का हल्का गर्म गर्म पिए, बाद में कभी शौक से आप ठंडा करके भी पी सकते हैं, तब भी ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरह आप इसे 10 मिनट अच्छी तरह इसे उबाल लीजिए, बॉयल कर आप इसे छान लीजिएगा इस तेजपत्ता को निकाल लीजिए। और इसे छान लेती हूँ गैस ऑफ करके। ऐसे आप एक ग्लास ले लीजिए और मैंने इस दूध को छान लिया है, छान के आप ऐसे ग्लास में हनी यूज़ कर रही हूँ, आप इससे भी यूज़ कर सकती है, मीठा सा आप जितनी पसंद करती है। एक चम्मच दो ग्लास इसमें भी मिला देती हूँ। इस तरह आप बना सकते हैं नॉर्मल दूध को इम्यूनिटी बूस्टर मिल्क। अच्छा लगे
तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। शेयर इसे ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हर घर में पहुँचे और हर कोई दूध की इम्यूनिटी बूस्टर इस तरह मिल्क बनाए के लिए।